हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले गेन मार्जिन के बारे में, फेस मार्जिन के बारे में, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया है। जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के टाइम के अपॉन एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस थ्री। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम लोग इवेलुएट करें तो हमें मिल जाएगा एस टाइम्स एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये थ्री एस प्लस एस हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फोर एस। तो ये वाला जो एस होगा वो एस इट इज होगा और हमें ब्रैकेट में मिलेगा एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो। जब इसको हम लोग फर्दर इवेलुएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एस टू दी पावर क्यू प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, कौन सा इक्वेशन है, वो है थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन हमने कंसीडर किया, जो इनसाइड मल्टीप्लीकेशन है वो है 12 और जो आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, वो है k। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थर्ड ऑर्डर इक्वेशन के केस में, अगर इनसाइड मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये इनसाइड मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन ये दोनों बराबर में हो गए तो ऐसे केस में जो सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर इनसाइड अगर आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन कम इनसाइड मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा है तो ऐसे केस में होगा क्या, हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होगा, जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग तीन ट्रांसफर फंक्शन ऑप्टेन करते हैं। यहाँ पर ये स्टेबल सिस्टम के केस में जो की जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए। तो मान लेते की जो वैल्यू है 12 के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो एज्यूम कर लेते की जो वैल्यू कितनी है, वो है 2। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 2, यहाँ पर ये एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस थ्री। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के केस में जो की जो वैल्यू कितनी होना चाहिए, 12 होना चाहिए, के इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो के हमें जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह अगर हम लोग 12 पुट करते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 12 अपॉन एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस थ्री। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अनस्टेबल के केस में होगा क्या, के की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो ज़्यादा होगी, राइट। तो के की जो वैल्यू है 12 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, तो जो के की जो वैल्यू उसको हमने कंसिडर किया 24, राइट। और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में एस टाइम्स एस प्लस वन और यहाँ पर ये एस प्लस थ्री, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो ट्रांसफर फंक्शन हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये टू अपॉन एस एस टाइम्स एस प्लस वन एस प्लस थ्री, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टू अपॉन अंडर रूट ओमेगा, टू अपॉन डिनोमिनेटर में ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस नाइन, राइट। अगर इसका अगर हम लोग फेस कंसिडर करें, फेस एंगल, तो हमें मिल जाएगा जीरो माइनस नाइन्टी माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय थ्री। हम लोग यहाँ पर करके आ रहे हैं, हम लोग बेसिकली पोलर प्लॉट बना रहे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको अगर हम लोग फर्दर इवेलुएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, राइट, हमें जीरो पर जो मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। जब मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इवेलुएट करें तो जीरो पर हमें जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिलेगा, हमें इनफाइनाइट मिलेगा, राइट। और इनफाइनाइट पर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा जीरो, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग फेस एंगल इवेलुएट करें तो जीरो पर जो फेस एंगल है वो हमें कितना मिलेगा, माइनस 90 डिग्री। इनफाइनाइट पर जो फेस एंगल है वो हमें कितना मिलेगा, माइनस 270 डिग्री, हम लोग बोल सकते हैं माइनस 3π/2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो आउटकम जो निकल के आया, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग पोलर प्लॉट बनाएं तो जो पोलर प्लॉट होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो ओमेगा वाली एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पोलर प्लॉट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पर्टिकुलर पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोलर प्लॉट है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोलर प्लॉट है माइनस 180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है, राइट। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोलर प्लॉट है माइनस 180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है, राइट। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखें तो जो फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी, अंडर रूट थ्री। और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिलेगा, 1/6। ये बेसिकली हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे कट टू कट गेन मार्जिन क्या है, फेस मार्जिन क्या है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है, यहाँ पर ये पोलर प्लॉट के लिए हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1/6। ये मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम लोग देखें, जो इक्वेशन है, ये मैग्नीट्यूड को हमने कैसा मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जो ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या था, जो ट्रांसफर फंक्शन था वो था 2 अपॉन s टाइम्स s प्लस 1 s प्लस 3। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग जो न्यूमरेटर का जो 2 होगा वो एज इट इज डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 12। जब इसको हम लोग फर्दर इवेलुएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/6। तो मैग्नीट्यूड हमें जो मिल रहा है ये पोलर प्लॉट के लिए वो हमें कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 1/6, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो पोलर प्लॉट है, यहाँ पर ये वाला जो पोलर प्लॉट हमने जो बनाया है,
इसके लिए जो मैग्नीट्यूड हमें जो मिला वो हमें कितना मिला 1/6। और यहाँ पर ये जो पोलर प्लॉट है इसके करेस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफर फंक्शन था वो कौन सा ट्रांसफर फंक्शन था, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन था। और ये वाले ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारा जो सिस्टम है वो कैसा था, हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल था। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमने जो पोलर प्लॉट जो बनाया ये कौन से सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, ये जो पोलर प्लॉट है वो इंडिकेट कर रहा है स्टेबल सिस्टम को, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है इसके लिए जब हम लोग पोलर प्लॉट बनाएंगे तो जो पोलर प्लॉट है वो इंडिकेट करेगा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम को। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करें इसके लिए जब हम लोग पोलर प्लॉट बनाएंगे तो जो पोलर प्लॉट है वो हमें इंडिकेट करेगा अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तीनों ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पोलर प्लॉट बनाया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पहला वाला जो पोलर प्लॉट है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है ये बेसिकली स्टेबल सिस्टम के लिए, और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला पोलर प्लॉट हमने जो बनाया है ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए, और ये जो तीसरा वाला जो पोलर प्लॉट हमने जो बनाया कौन से सिस्टम के लिए, ये अनस्टेबल सिस्टम के लिए। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो पोलर प्लॉट हमने जो बनाया इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है वो है 1/6। यहाँ पर ये जो दूसरा वाला जो पोलर प्लॉट हमने जो बनाया इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है वो है 1। और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो पोलर प्लॉट है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अगेन ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसको हमने बेसिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, मैथमेटिकली हमने मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला पहला वाला पोलर प्लॉट कौन से सिस्टम के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए। यहाँ पर ये दूसरा वाला जो पोलर प्लॉट हमें जो दिखाई दे रहा है मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए, और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो पोलर प्लॉट हमने जो बनाया कौन से सिस्टम के लिए, ये बेसिकली अनस्टेबल सिस्टम के लिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, मार्जिनल स्टेबल है। इसके राइट हैंड साइड में सिस्टम हमारा स्टेबल है, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, वो अनस्टेबल है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसीडर करें तो 1+g(x)(0) ये बेसिकली होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको अगर हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके लिखे तो हमें मिल जाएगा g(x)(h)(s), यहाँ पर ये जो +1 है उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा -1+j0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो आउटकम जो निकल के आया -1+j0 ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया एस प्लेन, यहाँ पर ये वाई एक्सिस इंडिकेट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो कि है -1+j0। ये क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होता है, मार्जिनल स्टेबल होता है। और ये क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होता है, और ये क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होता है, जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होता है, राइट। जो कि हमने सेम यहाँ पर भी डिस्कशन किया था, ये पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमारा जो पोलर प्लॉट है वो स्टेबल सिस्टम के लिए, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोलर प्लॉट जो बन रहा है वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो पोलर प्लॉट है वो अनस्टेबल सिस्टम के लिए। और सिमिलरली यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट से भी हमने सेम इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के राइट हैंड साइड में सिस्टम स्टेबल होगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो क्रिटिकल पॉइंट है इसी की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन मार्जिन और फेस मार्जिन। यहाँ पर ये गेन मार्जिन और फेस मार्जिन इसको अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझे तो यहाँ पर हम लोग बोडे प्लॉट टेक्निक में हम लोग करके आ रहे हैं, बोडे प्लॉट टेक्निक में जो सिस्टम है उसकी हम लोग स्टेबिलिटी कर रहे हैं कौन से डोमेन में, फ्रिक्वेंसी डोमेन में, राइट। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिस्टम की स्टेबिलिटी को कमेंट करने के लिए कि सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हमारे पास दो टूल होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन मार्जिन और फेस मार्जिन। तो गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन इज अ टूल, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन टूल होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग बताते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हमारे पास जो टूल होता है उसका नाम क्या होता है, गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, और एक ऑप्शन दे दिया होगा और आपको लास्ट में और डी वाला जो ऑप्शन होगा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन, राइट। तो यहाँ पर ये गेन मार्जिन और फेस मार्जिन है क्या इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें गेन मार्जिन है क्या, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया गेन मार्जिन फेस मार्जिन ये बेसिकली एक टूल है जिसके हेल्प से हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कमेंट करते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल या फिर मार्जिनल स्टेबल, कौन से डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए गेन मार्जिन हो है क्या, हमारे पास जो सिस्टम है मान लेते हैं स्टेबल सिस्टम है, और वो जो स्टेबल सिस्टम है उसका उसका कुछ मान लेते हैं मैग्नीट्यूड है, राइट। तो वो स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे जिसके वजह से हमारा जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल हो जाए, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन मार्जिन। तो बात करते हैं आगे उसके बारे में।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पर ये वाला जो हमने जो प्लॉट जो बनाया है, यहाँ पर ये वाला जो पोलर प्लॉट है वो किसके लिए, ये है बेसिकली स्टेबल सिस्टम के लिए। यहाँ पर ये वाला जो पोलर प्लॉट है कौन से सिस्टम के लिए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए, कर्सर की टिप। और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला जो पोलर प्लॉट हमने जो बनाया कौन से सिस्टम के लिए, ये बेसिकली अनस्टेबल सिस्टम के लिए, राइट। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये यूनिट सर्कल बना दिया जो कि आपको एक कर्सर की टिप शो कर रही है। और ये यूनिट सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, वो है 1। और यही रीज़न की वजह से जो सर्कल है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं यूनिट सर्कल। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले बात करते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के बारे में, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये अगर हम लोग ये तीनों प्लॉट को कंसीडर करें, यहाँ पर ये पहला वाला पोलर प्लॉट, यहाँ पर ये वाला पोलर प्लॉट और यहाँ पर ये वाला पोलर प्लॉट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है। तो पोलर प्लॉट जिस भी पॉइंट पर ये -180 डिग्री वाली लाइन को, या फिर बोल सकते हैं प्लॉट जिस भी पॉइंट पर -180 डिग्री वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ जो एसोसिएटेड फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। यहाँ पर ये हमने पोलर प्लॉट बनाया, तो ये जो पोलर प्लॉट है ये -180 डिग्री वाली लाइन को ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें जो फ्रिक्वेंसी जो मिलेगी वो हमें कौन सी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, हमें मिलेंगी फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी एट विच पोलर प्लॉट क्रॉस और कट एन एंगल ऑफ -180 डिग्री, राइट। जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं 180 डिग्री एंगल पर हमारा जो प्लॉट होता है, 180 डिग्री एंगल पर हमें जो फ्रिक्वेंसी जो मिलती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। या फिर हम लोग पूरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हमारा जो पोलर प्लॉट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा प्लॉट -180 डिग्री वाली जो लाइन एक्सिस उसे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होता है वो पॉइंट के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। एनी प्लॉट कटिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, कोई भी प्लॉट जो कि 180 डिग्री के एंगल को कट कर रहा होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होती है वो एंगल के साथ, वो जो फ्रीक्वेंसी उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आई होप यहाँ से आपको पता चल गया होगा फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात कर लेते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पोलर प्लॉट है, ये जो पोलर प्लॉट, ये वाला पोलर प्लॉट कंसीडर कर लेते हैं कर्सर की टिप, ये वाला जो पोलर प्लॉट है वो ये यूनिट सर्कल को ये पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ एसोसिएटेड जो फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो होता है 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से हमने क्या समझा, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से हमने ये समझा कि जो हमारा जो ग्राफिकल प्लॉट है, ये जो पोलर प्लॉट है, ये -180 डिग्री वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और जब ये पोलर प्लॉट ये यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, वो होता है 1, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी से हमने क्या समझा, फ्रिक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ पोलर प्लॉट विल बिकम 1। फ्रिक्वेंसी जिस पर पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी को हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी जिस पर पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो जो फ्रिक्वेंसी उसको हम लोग बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हमारा जो पोलर प्लॉट है वो यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ जो एसोसिएटेड जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। और गेन क्रॉस ओवर गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, और वो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के साथ, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिलता है, हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है और फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अभी बात कर लेते हैं गेन मार्जिन के बारे में और फेस मार्जिन के बारे में, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया गेन मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो गेन मार्जिन है वो एक ऐसी वैल्यू है, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा फैक्टर है, जिसको जब हम लोग स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे केस में जो स्टेबल सिस्टम है वो वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पर आ जाता है, मतलब जो सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। और अगर हम लोग गेन मार्जिन को इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या समझा, गेन मार्जिन इज अ वैल्यू, जो गेन मार्जिन है वो वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पर, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेबल सिस्टम, जब हम लोग ये गेन मार्जिन को स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो सिस्टम है वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी पर पहुंच जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जो सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझते हैं गेन मार्जिन को।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कर्सर की डिजिट जो टिप है वो आपको इंडिकेट कर रही है पहला वाला पोलर प्लॉट, ये वाले पहले वाले पोलर प्लॉट पर हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, वो सिस्टम है वो हमारा स्टेबल है, और जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कितना मिल रहा है 1/6, तो जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल रहा है 1/6। तो जो गेन मार्जिन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है 1/मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें कितना मिल रहा है 1/6, तो अगर इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो जो गेन मार्जिन है वो हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6। तो जो गेन मार्जिन है वो हमें कितनी मिल रही है, हमें मिल रही है 6, राइट। अभी यहाँ पर ये जो गेन मार्जिन है उसको हम लोग ये स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हम लोग ये गेन मार्जिन को ये स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट अगर हमें 1 निकल के आता है तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है स्टेबल सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो जो गेन मार्जिन है वो हमें कितनी मिल रही है, 6, राइट। तो गेन मार्जिन हमने यहाँ पर कंसीडर किया 6, और ये जो स्टेबल सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/6, तो यहाँ पर ये 1/6, इसको अगर हम लोग फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 मिला, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पर आ गया, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो क्या हो गया, मार्जिनल स्टेबल हो गया, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन से हमने क्या समझा, जो गेन मार्जिन है वो एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी फैक्टर है जिसको जब हम लोग स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो स्टेबल सिस्टम है वो वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पर आ जाता है, या फिर बोल सकते हैं हमारा जो सिस्टम है मार्जिनल स्टेबल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गेन मार्जिन को, यहाँ पर मैंने टेक्निकल वे में डिफाइन किया, गेन मार्जिन इज अ फैक्टर बाय एडिंग विच गेन ऑफ द स्टेबल सिस्टम विल गेट डिविएट टूवर्ड्स मार्जिनल स्टेबिलिटी। जो गेन मार्जिन है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको ऐड करने पर स्टेबल सिस्टम का जो गेन है वो डिविएट हो जाता है मार्जिनल स्टेबिलिटी की तरफ, या फिर बोल सकते हैं वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी की तरफ, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल की बाउंड्री पर चले जाता है, अनस्टेबिलिटी की बाउंड्री पर चले जाता है। गेन मार्जिन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गेन ऑन दैट फ्रिक्वेंसी वेयर फेस एंगल इज -180°। तो जो गेन मार्जिन है वो है क्या, रेसिप्रोकल है गेन का वो फ्रीक्वेंसी पर जिस फ्रीक्वेंसी पर फेस एंगल कितना होता है, -180° होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेन मार्जिन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है 1/मैग्नीट्यूड। गेन मार्जिन को अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ डीबी कंसीडर करें तो हमें मिलेगा गेन मार्जिन इन टर्म्स ऑफ डीबी इज इक्वल टू 20 log 1/x। इसको अगर हम लोग फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -20 log x, राइट। तो यहाँ से हमने गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन मार्जिन अब तक के हमने क्या क्या समझा। तो सबसे पहला फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से हमने ये समझा कि जो हमारा जो प्लॉट है वो -180° वाली जो लाइन है उसे इंटरसेक्ट कर रहा होता है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से हमने क्या समझा, हमारा जो प्लॉट है वो यूनिट सर्कल को कट कर रहा होता है, यूनिट सर्कल को कट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन से हमने क्या समझा, गेन मार्जिन से हमने ये समझा हमारे पास अगर स्टेबल सिस्टम है, अगर वो स्टेबल सिस्टम के मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग गेन मार्जिन से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसे केस में होगा क्या, वो जो स्टेबल सिस्टम है वो वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पर आ जाएगा, जो स्टेबल सिस्टम है वो मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं फेस मार्जिन के बारे में, फेस मार्जिन है क्या। फेस मार्जिन को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझे तो जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है वो फेस मार्जिन के साथ प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा फेस मार्जिन होगी उतना ज़्यादा हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, जितनी कम फेस मार्जिन होगी तो जो सिस्टम है वो कम स्टेबल होगा। जो फेस मार्जिन है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर, ओमेगा जी सी पर, और जो फेस मार्जिन है उसके लिए जो रिलेशन है वो ये वाला रिलेशन है 180° प्लस ओमेगा, यहाँ पर ये गेन, यहाँ पर ये फाई गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो फेस मार्जिन है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये फाई और यहाँ पर ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेस मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गेन मार्जिन जैसे कि हमने डिस्कस किया, गेन मार्जिन अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो सिस्टम स्टेबल है, गेन मार्जिन अगर 1 के बराबर में होता है सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, गेन मार्जिन 1 के कंपैरिजन में कम है तो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा, राइट। यहाँ पर हम लोग इसको और डिटेल में समझ सकते हैं, गेन मार्जिन अगर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा और फेस मार्जिन अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो स्टेबल होगा। गेन मार्जिन 1 के बराबर में और फेस मार्जिन 0 है तो ऐसे केस में जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा। गेन मार्जिन 1 के कंपैरिजन में कम है और फेस मार्जिन नेगेटिव है तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा।